अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान के साथ, सेव गुरुद्वारास एंड टेंपल्स ऑफ पाकिस्तान के साथ, सिख पीरियड फुटस्टेप्स के साथ, और यह है मेरा पाकिस्तान और पंजाब पेज के साथ मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी। मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ समाधि झींगर शाह, कोई ढींगर शाह कहता है, कोई झींगर शाह कहता है। ये मुगलिया दौर का एक सेंट गुज़रा है, एक साधु गुज़रा है, जिसकी सब इज़्ज़त करते थे। इस पर एक ग्रंथ साहब की बानी भी लिखी हुई है इस समाधि के ऊपर, और इसके ऊपर ओम भी लिखा हुआ है। ये मैंने अपनी आँखों से इसको बहुत खूबसूरत अंदाज में देखा है, और इसका जो गुंबद है वो बहुत चमकदार, बहुत खूबसूरत था। आज भी जिसकी आबोताब जो है वो, ये 1992 में, बार बार कहता हूँ मैं, 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद इसको तोड़ा गया, इसके ऊपर से मार्बल उतार दिया गया। लेकिन अगर ये समाध भी है, लेकिन बिल्कुल इसके गुरुद्वारे की तरह चार दरवाजे हैं इसके। ये आप देखें, हमारा शोर मचाने का, हमारा वावेला करने का जो है वो कुछ तो असर हुआ। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट देखें, इसको दोबारा इसकी रेनोवेशन शुरू कर दी है और इसको ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आए हैं। उसके बाद ये देखें, ये कुछ स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं देवनागरी के। और इसी तरह वो आगे भी लिखी हुई है, ये देखें आप। इस पर लाहौर का खोजी ने भी लिखा, शुएब रजा लाहौर एक्सप्लोर ने भी लिखा, उसके अलावा भी तमाम दोस्तों ने जो है इसको हाईलाइट किया था। और कोई तकरीबन एक महीना पहले इसका आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने सर्वे किया और इसको जो है वो इसकी रेनोवेशन शुरू करवा दी। समाधि झींगर शाह, कुछ लोग इसे मुगलिया दौर की बताते हैं और कुछ लोग इसे जो है वो सिख पीरियड में बताते हैं कि ये बनाएगी, इसकी रेनोवेशन जो है वो शुरू है। तो ये मैं इसके अंदर ले चलता हूँ, ये देखिए। बुरा हाल है, मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ द पाकिस्तान, सेव गुरुद्वारास एंड टेंपल्स ऑफ पाकिस्तान, हेरिटेज पेज, ये है मेरा पाकिस्तान, पंजाब पेज, और सिख पीरियड फुटस्टेप्स इन पाकिस्तान। काम ज़ोरों शोरों से जारी है, क्योंकि ये काम काफ़ी बारीकी का है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। यहीं पर ही संगीत राशि हो रही है इसकी, ये देखें आप, और यहीं पर इसको कारीगर जो हैं वो फिट करने के लिए आए हुए हैं। क्यों जी उस्ताद जी, कैसे हैं आप, खैरियत से? तो कितने दिन लग जाएंगे ये पूरा काम होने में? ये 2 साल का 3 साल का इसका वो है, इसी बात इसका खाली नहीं, वो परली साइड भी। अच्छा, समाधि बस्ती राम भी आप ही कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। देखें जी, समाधि बस्ती राम को भी हमने काफ़ी हाईलाइट किया था, और समाधि बस्ती राम का भी काम दोबारा शुरू हो गया। बड़ी खुशी की बात है जी, ये हमारा हेरिटेज है। अब ये जो तमाम दोस्त जो पेज पे आके कहते हैं समाधि बस्ती राम रिपेयर नहीं हुई, झींगर शाह की समाध जो है वो रिपेयर नहीं हुई, अब आप देखें कि ये जो टीम है वो तहे दिल से अच्छा काम कर रही है,
और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, उनके जो डायरेक्टर हैं उनसे भी मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा कि आप जिस जिस चीज़ को भी आपने हाईलाइट किया है तो हम उसे काम को जो है ना वो मुकम्मल करेंगे। मैं उनकी इस बात पे बहुत खुश हूँ। मेरी परसों उनके साथ मीटिंग भी थी यूईटी के अंदर, एक मीटिंग में वो मुझे मिले। मकसूद अहमद साहब डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के, और ये लाहौर फोर्ट, बादशाही मॉस्क और ये तकरीबन पंजाब के जितने भी बड़े हेरिटेज की जो चीज़ें हैं वो इनके ही अंडर आती हैं, और ये काम भी उन्होंने ही शुरू करवाया आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक मरतबा फिर आपको खुशी की बात बताता चलूँ कि समाधि झींगर शाह जो है वो दोबारा से बनने के लिए जा रही है। मार्बल का काम इस पर शुरू है। ये देखें आप, मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी, सिख पीरियड फुट स्टेप्स इन पाकिस्तान, सेव गुरुद्वारा एंड टेम्पल्स ऑफ पाकिस्तान, सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ द पाकिस्तान। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ शिमाली जो दीवार है महाराजा रंजीत सिंह ने बनवाई थी दरियाए रावी के किनारे पर, उसके साथ दो समाधियाँ थीं। एक समाधि पर मैंने आपको दिखा दिया, अभी दूसरी समाधि पर आपको लेकर जाता हूँ। मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी, देखते रहिए सेव हिस्टोरिकल प्लेसेज ऑफ द पाकिस्तान, सेव गुरुद्वाराज एंड टेम्पल्स ऑफ पाकिस्तान, सिख पीरियड फुट स्टेप्स इन पाकिस्तान, हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान पंजाब पेज, और ये है मेरा पाकिस्तान।